पढ़ेंगे पॉलीफ़ेज़ सिस्टम पार्ट 5। ठीक है, तो पॉलीफ़ेज़ सिस्टम पार्ट 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा पावर फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। पावर फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो भी बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे ये, तो इसको हम देखेंगे आज। यहाँ देखिए, पावर फैक्टर होता है क्या है, किसी एसी परिपथ में आरोपित वोल्टा प्रवाहित धारा के मध्य कलांतर की कोसाइन को शक्ति गुणक कहते हैं। धारा वोल्टा में कलांतर कितना है, अगर मान लीजिए मेरा ये वी वेक्टर है कोई और ये मेरा आई वेक्टर है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या कहती हूँ, वो एंगल पाई कहलाएगा, और उसका अगर मैं कॉस ले लूंगी तो वो एंगल कॉस पाई। तो शक्ति गुणक क्या होता है, कॉस पाई। शक्ति गुणक को परिपथ की भिन्न राशियां प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, कॉस पाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, मतलब वास्तविक शक्ति औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। मतलब कॉस पाई क्या होता है, वास्तविक शक्ति अपन ने पढ़ी थी ना, औसत शक्ति क्या होती है, पी पी अपॉन क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको और इसको। अब भाई हमें पता है वास्तविक शक्ति का वह किस में होता था, आर में, और आभासी शक्ति, आभासी मतलब पूरी, पूरी के लिए हम क्या ले रहे थे वहां पर, अभी अभी जस्ट पढ़ के आए, उसके लिए हम क्या ले रहे थे, आई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो आर अपॉन जेड, आभासी शक्ति जो एस होती है पी प्लस आई तक की, वो किसके इक्विवेलेंट में जाती है, जेड में, और जो वास्तविक शक्ति का वह किस में होता है, आर में। तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई जेड। आगे देखिए, पावर फैक्टर किसी भी संतुलित त्रिकला परिपथ चाहे वह स्टार में हो डेल्टा में हो, दोनों के बीच का जो कोसाइन होता है वो हमें क्या देता है, शक्ति गुणांक कहता है। ठीक है, कुल टोटल पावर का, अब शक्ति गुणांक को अगर अपन नॉर्मली देखना चाहे समझना चाहे तो उसका मतलब क्या होता है कि टोटल पावर का कितना भाग सक्रिय शक्ति के रूप में काम आ रहा है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, कॉस पाई इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपन के वी, अभी भी मैंने देख बताया वहां पर पी अपॉन क्या पढ़ा था, पी अपॉन एस। ये देखो यहाँ पर ये क्या था, वास्तविक शक्ति औसत शक्ति पी अपॉन एस। तो मतलब कॉस पाई क्या है, एक तरह से भाई जैसे मैं निकालू 10/100, तो ये किस किस का कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या दे रखा है, के डब्ल्यू मतलब के वी ए टोटल मान लो 100 है और ये 10 है, तो के डब्ल्यू उसकी कितनी प्रतिशत होगी। तो वही वाली चीज है कि ज्ञात करते हैं कि कुल शक्ति का कितना भाग सक्रिय शक्ति के रूप में काम आ रहा है, तो वो कॉस वाई कहलाता है। किलो से किलो कट गया तो डब्ल्यू अपॉन वी ए, के वी ए क्या हो गया, किलो वॉट अपॉन कॉस वाई, परंतु हम जानते हैं कि के वी ए क्या होता है, रूट 3 वी एल आई एल अपॉन 1000। ये कैसे आया, क्योंकि जो केवीए होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर है, ये तो रूट 3 वी एल आई एल तो क्या होगी, सिर्फ वोल्ट एम्पियर, और उसको किलो में बदलना है अपन को, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह से आई एल की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले का पक्षांतरण कर लिया, तो केवीए 1 × 1000/3 रूट वी एल आया। या यदि लाइन विभव स्थिर है, अगर मान लीजिए लाइन का वोल्टेज, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि लाइन का 400 वोल्ट है 3 फेज में, तो आई एल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किलो वोल्ट एम्पियर के। और केवीए का फॉर्मूला कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से देखो, के डब्ल्यू अपॉन कॉस पाई यहाँ से हमने सीखा, तो आई एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, के डब्ल्यू अपॉन कॉस पाई। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बताता है कि पावर फैक्टर पे लाइन का लोड कैसे डिपेंड करता है। इससे स्पष्ट है कि यदि त्रिकला परिपथ में कुल सक्रिय शक्ति का मान स्थिर है, तो कॉस पाई का मान बढ़ने से परिपथ की लाइन धारा का मान कम हो जाता है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन वोल्टेज है वो हमेशा कम रहे, तो आप ये देखिए के डब्ल्यू अपॉन कॉस फाइव, अर्थात यदि परिपथ के शक्ति गुणांक को बढ़ा दूं तो परिपथ की धारा कम हो जाएगी। हमें हमेशा क्या होती है, परिपथ में धारा कम से कम रहे, ज्यादा लोड ना ले, क्योंकि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक मतलब करंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा बिल भी आएगा। वैसे ही अगर हमारे तारों पर जितना ज्यादा लोड चलेगा, हम चाहते हैं कि कम करंट में ही वही काम हो। तो अगर हम उस चीज का पावर, हमारी कोई भी मोटर है ज्यादा अगर लोड ले रही है, मतलब उससे करंट ज्यादा आ रही है उसी काम को करने के लिए, तो बेकार है ना, अगर वो वही काम हमारा कम लोड लेके कर दे तो हमारा घर का बिल भी अच्छा आएगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऐसा कब हो सकता है, जब हमारा जो भी मोटर है या जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसका जो कॉस वाई जो है पावर फैक्टर का मान अच्छा हो, ज्यादा हो। कॉस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो वो 1 के नियरेस्ट हो। ठीक है, तो देखिए, अर्थात यदि परिपथ के शक्ति गुणांक को बढ़ा दी जाए तो परिपथ की धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। आई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cos φ, एक तरह से समझ सकते हैं। निष्कर्ष रूप में शक्ति गुणांक जितना अधिक हो, इसका अधिकतम मान प्रतिरोधी भार के लिए इकाई रहना ही अच्छा रहता है। अधिकतम मान, क्योंकि हमें पता है अगर मान लो प्रतिरोध है आर है, तो cos φ = 1 ही आती है उससे वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखेंगे, अब देखिए, अब
हम अब अगर कहते हैं कि मैंने तो क्या किया, पावर फैक्टर कम शक्ति गुणक वाली, जैसे आपने घर में मोटर लगाई, तो आप मोटर पर ना एक स्पेसिफिकेशन होती है, इसकी वोल्टेज कितना है, इसके करंट कितना है, इसका कॉस्ट वाई कितना है। तो हमें हमेशा अच्छी पावर फैक्टर वाली मोटर खरीदनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम कम पावर फैक्टर वाली खरीदते हैं तो उसके हमारे एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, निश्चित शक्ति के लिए कम शक्ति गुणांक पर धारा का मान बढ़ेगा, जिससे ताम्र हानियां बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप प्रदाय प्रणाली तो परिपथ में संयोजित उपकरणों की दक्षता कम होगी, एफिशिएंसी ही कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं धारा का मान हमेशा कम ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी ताम्र हानियां भी कम हो और एफिशिएंसी अच्छी है। कम पावर फैक्टर पर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर आदि ओवरलोडेड हो जाते हैं, पावर फैक्टर अगर कम होता है तो वो ओवरलोड हो जाएंगे। कम पावर फैक्टर पर वोल्टेज में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारा जो अभी जैसे मान लो कोई भी मेरा इक्विपमेंट 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है 240, तो उसके क्या होते हैं, उस इक्विपमेंट के खराब होने के, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज में वेरिएशन कम होनी चाहिए। जब भी तो हम एसी जब हम लगाते हैं तो वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं, हाँ बहुत सारी जगह हम वोल्टेज स्टेबलाइजर तो यूज करते हैं, जिससे ताकि वोल्टेज वेरिएशन को कम किया जा सके। कम शक्ति गुणांक पर विद्युत का उत्पादन, संप्रेषण, वितरण तथा उपयोग महंगा होता है। इसलिए सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि पावर फैक्टर जितना अच्छा हो उतना ही हमारे बिजली के लिए अच्छा है, उतना ही हमारे इक्विपमेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। अब देखना क्या है, शक्ति गुणांक में सुधार सामान्यतः दो विधि द्वारा किया जाता है। उन विधियों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, कौन कौन सी विधि है ये हमारी। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई पावर फैक्टर ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, करंट वो आईएल की वैल्यू कम होती है, करंट कम होने से क्या होगी, तांबे की हानियां कम होगी, और तांबे की हानियां अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, समझ में आ गया, वोल्टेज का वेरिएशन कम होएगा, ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब लेकिन अब हमारे पास सिस्टम है मान लो, अब उसके अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। थ्रू कैपेसिटर होता है एक सिंक्रोनस मोटर का यूज करके। अब कैपेसिटर के थ्रू कैसे हुआ ये देखो, हम जानते हैं कि अधिकतर भार इंडक्टिव लोड होते हैं, इस कारण परिपथ का शक्ति गुणांक भी सामान्यतः लैगिंग होता है। जनरली हमारी जितनी भी मोटर होती है उसमें लोड कौन सा होता है, इंडक्टिव, तो उसका जो ये आता है पश्चिगामी लैगिंग ही होता है। मैंने आपको सिखाया था ना, इंडक्टर के केस में करंट हमेशा वोल्टेज से लैग करती है। यदि इस भार के समांतर धारित्र जोड़ दिया जाए तो धारित्र का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है और कुल मिलाकर पाई का मान बहुत कम हो जाएगा, शक्ति गुणांक का मान बढ़ जाएगा। पहली बात तो फाई का मान बढ़ेगा तो कॉस का बढ़ेगा ना, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है भाई, ये देखो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, जीरो पे तो वन वैल्यू होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है और कॉस नब्बे की वैल्यू जीरो होती है। मतलब जब अपना एंगल जीरो था तो कितना मैक्सिमम दे रहा था, और जब हमारा एंगल नब्बे डिग्री हो गया तो कितना, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, कॉस नब्बे विच इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब एक से जीरो के बीच में वो वैरी कर गया। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एंगल जितना छोटा होगा कॉस पाई की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल छोटे से छोटा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो भाई, अपन ने थ्री फेज सर्किट, थ्री फेज लाइन जा रही थी, और ये कोई थ्री फेज की मोटर मान लो, कुछ भी सर्किट मान लो। अब इस पे क्या किया, अब हमें कोई भी चीज़ पैरलर में जोड़नी है, तो हम वोल्टेज के पैरलर में जोड़ेंगे। तो ये देखो, ये हमारा जैसे मान लो ये R है, ये Y है और ये B है, तो तीनों से हमने वोल्टेज दिया और इसके यहाँ पैरलर में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, अब कैपेसिटर जोड़ने से क्या होगा, इसके एक तो करंट जा रही है इसके अंदर, जो ये इंडक्टिव लोड है, हम क्या मान के चल रहे हैं, जनरली हमारा लोड इंडक्टिव होता है जो लैगिंग है, तो इसमें जो करंट जा रही है, अब समांतर में क्या होता है, वोल्टेज तो बराबर होते हैं लेकिन करंट क्या होती है, समांतर सर्किट में बट जाती है। एक तो करंट यहाँ से जो करंट जाएगी, एक तो इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, दो जगह करंट का डिविडेशन हो गया। तो अब ये जो आई थी ये किससे मिल मिलकर बनेगी, एक तो IC जो इसमें जा रही है अपना कैपेसिटर में, और एक जो इंडक्टिव लोड में जा रही है। तो ये हो गई हमारी IC और ये हो गया हमारा IL। अब वही वेक्टर एडिशन पहले ही सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, वेक्टर एडिशन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे पहली क्लास में आ गया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये मेरा IL था, अब मेरे को क्या करना है, दो वेक्टर्स को जोड़ना है। तो मैं क्या करती थी, पहले वेक्टर का जो लास्ट बिंदु है उस पे दूसरे वेक्टर के स्टार्टिंग बिंदु को मैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा वाला, उस डायरेक्शन में पुट कर देती हूँ। ये मैंने IC पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए एंगल उतना ही बन रहा है जितना ये एंगल था। ठीक है, और जो स्टार्टिंग बिंदु से सेकंड जो लास्ट वेक्टर है उसका जो लास्ट बिंदु है उसको मिला देने पर क्या बन जाता है, मेरा जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो ये मेरी रिजल्टेंट करंट आ गई। तो देखो आप, पहले तो V और IL था, जब मान लो मेरा ये कैपेसिटर लग ही नहीं रहा था,
उस केस में क्या था, वी और आई एल के बीच का एंगल देखो कितना था, 51। तो एंगल इतना ज्यादा था, मतलब ये मान लो एंगल कॉस 75 के समथिंग होगा, तो वैल्यू भी कितनी होगी, अगर कॉस 75 की वैल्यू समथिंग कितनी होगी, जब कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन बाई टू, ठीक है, 0.5। इसकी वैल्यू तो और भी कम हो गई होगी, 0.5 से 0.3, 0.4। लेकिन जैसे ही मैंने कैपेसिटर इंसर्ट किया तो मेरी जो आई थी वो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, और वी और आई के बीच का एंगल कितना हो गया, ये छोटा सा फाई हो गया। तो ये तो जीरो के समथिंग कुछ आ रहा है, तो मतलब मान लो जीरो पॉइंट, मतलब ये वन टू, मतलब 10 डिग्री एंगल मान लो तो भी कितना ही होता है, ये कम से कम वन से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, 0.9, 0.8 समथिंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो इससे क्या हुआ, कॉस फाई की जो मेरी वैल्यू थी बढ़ गई। एंगल छोटा होने पर क्या हो जाता है, कॉस फाई बढ़ जाता है, क्योंकि एंगल के अपोजिट होता है एंगल बढ़। अगर कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो एंगल छोटा हो गया, और एंगल छोटा होने से शक्ति गुणक का मान कैपेसिटर लगाने से बढ़ गया, समझ में आया ये। अब आगे देखिए, इसके अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर भी, अगर सिंक्रोनस मोटर को भी हमारे ओवर एक्साइटेशन पे चलाते हैं, ओवर एक्साइटेशन मतलब ये हम मशीन में पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है, वे अग्रगामी शक्ति गुणांक देती हैं। मतलब इस प्रकार इन मशीनों को भी जब प्रेरण मोटर के समांतर क्रम में चलाया जाता है तो ये परिपथ का शक्ति गुणांक को सुधार देती है। तो आपको दो तरीके विषय रखने, या तो आप क्या करो कैपेसिटर लगा दो पैरलर में, या पैरलर में उसको सिंक्रोनस मोटर लगा दो, और वो कैसी कंडीशन पे चला, ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे। तो दोनों ही क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के काम आते हैं। जो हमारे जो ग्रिड सब स्टेशन है उन पे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जनरली कैपेसिटर यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट हम पावर वाला लेक्चर स्टडी करेंगे। ओके, बाय बाय।